हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है ऑर्गेनाइजेशनल वीडियो, विच बाय नाउ ऑल ऑफ यू न्यू इज माय फेवरेट टॉपिक। तो आज मैं दिखाऊंगी हाउ टू ऑर्गेनाइज मेंस वार्डरोब। मैंने किस तरह से अपने हस्बैंड के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है, उसके बारे में मैं ही आज बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स ट्रू दैट द मैन इन द हाउस डू नीड आवर हेल्प टू कीप देम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम। तो इट्स अ सेम थिंग फॉर मी ऑल्सो। तो टू बेसिक पॉइंट्स आई केप्ट इन माइंड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग हिज वार्डरोब। फर्स्ट वन इज व्हेनेवर ही ओपन्स हिज वार्डरोब ही शुड बी एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, विच मीन्स ऑल हिज आइटम्स शुड बी इन प्रॉपर डिस्प्ले, लाइक ऑल हिज शर्ट्स, ऑल हिज पैंट्स, ऑल हिज होजरी, एवरीथिंग। जब भी वो वार्डरोब खोले उनको एक बार में अच्छे से दिख जाए, एंड सेकेंडली वो उसको खुद भी अच्छे से मैनेज कर पाए और हैंडल कर पाए, क्योंकि जब तक वो खुद उसको हैंडल इजिली नहीं कर पाएंगे तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अरेंज किया है। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द वार्डरोब। सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाला दिखा रही हूँ। तो ये फर्स्ट शेल्फ जो है वो बेसिकली ऑफिशियल ड्रेस का शेल्फ है, ऑफिशियल शर्ट्स एंड पैंट्स का। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से वुडन हैंगर्स में कलर वाइज अरेंज किया है, पहले ब्लैक, देन क्रीम, देन ग्रे एंड देन वन ग्रीन। तो इस तरह से पैंट्स को मैंने डबल फोल्ड करके हैंग करके रखा है। उसके नीचे मैंने इस तरह से दो बॉक्सेस में, जो प्लास्टिक की जो बॉक्सेस हैं, इनको मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ख़रीदा था, तो उसमें मैंने उनके सारे फुल शर्ट्स जो हैं उनको अरेंज करके रखा हुआ है। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स में सारे जो सॉलिड कलर्ड शर्ट्स हैं, मतलब सिंगल कलर शर्ट्स हैं, उनको रखा है। और ये सेकेंड वाले में मेनली सारे प्रिंटेड एंड स्ट्राइप्स वाले रखे हुए हैं। तो इस तरह से इनको निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है, एंड एट वन गो ही कैन सी व्हाट ऑल इज केप्ट, कौन कौन से शर्ट्स रखे हैं, कौन कौन से कलर्स के कहाँ पे रखे हुए हैं। तो एट वन गो पे ही सारे शर्ट्स डिस्प्ले हो जाते हैं। इनको मैंने यहाँ पर भी कलर वाइज ही अरेंज किया है। सामने की तरफ सारे वाइट कलर्ड शर्ट्स हैं, देन पिंक, देन लाइट ब्लू, देन क्रीम, देन डार्क ब्लू, और पीछे की तरफ ब्लैक और डार्कर शेड्स वाले फुल शर्ट्स हैं सारे। यहाँ पे सारे प्रिंटेड चेक्स स्ट्राइप्स, तो इस तरह से सारे अरेंज किए हुए हैं। ऑल दीज आर फॉर्मल शर्ट्स। उसके पास ही मैंने ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट डायरीज है, विच ही नीड्स एवरी डे टू नोट डाउन समथिंग। तो मैंने यहाँ पे इनके तीनों इंपॉर्टेंट डायरीज को रख दिया है, यहाँ पे उनका पर्स एंड हिज एवरी डे वॉच विच ही वेयर्स। इस तरह से ये फर्स्ट शेल्फ कंप्लीट हो जा रहा है। फर्स्ट शेल्फ के नीचे ही एक ड्रॉअर है, इस ड्रॉअर में मैंने बेसिकली टू ऑरेंज बास्केट्स, जो कि मैंने फिर से ऑनलाइन ही ख़रीदा था, और ये एक पुराना, एक बहुत ही पुराने प्लास्टिक का बॉक्स है। तो इस बॉक्स में बेसिकली ही कीप्स ऑल द फोटो कॉपीज
जो कि कई बार ज़रूरत होते हैं कुछ ना कुछ काम की वजह से. दीज आर ऑल हिज इम्पोर्टेंट विजिटिंग कार्ड्स विच ही कलेक्ट्स वेन एवर ही नीड्स. तो इनको सारे फाइलिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है. और यहाँ पे कुछ और विजिटिंग कार्ड्स है. एंड दीज आर ऑल हिज एक्स्ट्रा वॉचेस विच ही वेयर्स रेयरली एंड वन ओल्ड कैमरा. उनके सारे कॉस्मेटिक्स हम लोग के ड्रेसिंग टेबल में रहता है, इसलिए मैंने वार्डरोब को सिर्फ इसी टाइप की चीज़ों से भरा है. इसके नीचे वाला शेल्फ इज मेनली द इनफॉर्मल शेल्फ, वी कैन से इनफॉर्मल वेयर शेल्फ. सो दीज आर थ्री बास्केट्स आई हैव अरेंज्ड ओवर हियर. तो ये तीनों बास्केट भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था. तो इन तीनों बास्केट में मेनली दीज आर ऑल टी शर्ट्स. तो यहाँ पे मैंने सारे सॉलिड कलर्स के टी शर्ट्स रखे हुए हैं. यहाँ भी कुछ सॉलिड कलर के ही टी शर्ट्स हैं. और उसके पास वाले जगह पे दीज आर ऑल स्ट्राइप्ड एंड प्रिंटेड टी शर्ट्स. पीछे मैंने सारे इंडियन वेयर्स रखे हैं. ये जनरली हम लोग सूटकेस में भर के रखते हैं या फिर बेड के अंदर, तो पहनना ही नहीं होता. तो इसलिए मैंने जो पीछे का जो स्पेस है आई हैव यूज्ड टू कीप ऑल हिज एथनिक वेयर्स. तो ये सारे कुर्ता है ऊपर पहनने के लिए. और पीछे है सारे पजामास मैच करते हुए. इस शेल्फ के पास ही बिल्कुल मैंने दो स्टेनलेस स्टील के हुक्स रखे हुए हैं. उनमें मैं उनके जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाले कैप्स हैं उनको अरेंज करके रख देती हूँ. इस शेल्फ के नीचे वाले शेल्फ में रहता है उनके मेनली सारे जीन्स. इस तरह से ये दोनों जीन्स के पाइल्स हैं. और ये दीज आर ऑल इज हाफ स्लीव्स शर्ट्स. और दो चार फुल स्लीव शर्ट्स भी हैं जो बहुत कम पहनते हैं. तो ये कुछ हाफ स्लीव शर्ट्स को मैंने यहाँ पे रखा. दीज आर मोस्टली फॉर्मल शर्ट्स ओनली जो कि बहुत कम पहनते हैं, बट पहनते हैं तो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ही कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर. तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कवर कर लिया मैंने. और ये बेसिकली बाहर पहनने वाले ही कपड़े हुए हैं. ये है राइट हैंड साइड ऑफ द वार्डरोब जहाँ पे मेनली घर के कपड़े और आसपास पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो हैं. तो ये ऊपर यहाँ पे मैंने तीन पैंट रखे हुए हैं. ये पैंट्स बेसिकली जब वो नीचे वेजिटेबल शॉपिंग या फिर नीचे ही जो आसपास में जो कुछ काम अगर हो या कुछ खरीदने जाना हो, दूर नहीं जाना पास में जाना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से तीन पैंट्स को रख दिया है. तो इन्हीं तीन पैंट्स में से कोई एक पहन के जाते हैं. और दिस इज़ बेसिकली अ हैंकरचीफ होल्डर ऑफ हिज. तो ये एक हैंगर है, मल्टी पॉकेट हैंगर. बेसिकली टाई हैंगर था तो उसको मैंने इस तरह से उनके सारे हैंकरचीफ्स को मैंने यहाँ पे फोल्ड करके टांग दिए हैं. और इस शेल्फ के लोअर पार्ट में मैंने उनके सारे होजेरीज फोल्ड करके रखे हुए हैं. तो पीछे तो सारे वेस्ट है, हाफ स्लीव्स वाले वेस्ट. एंड दीज आर ऑल हिज ब्रीफ्स और सॉक्स. ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था. होजरी बैग मैंने बना के रखा है इसका. तो इसमें सिक्स कंपार्टमेंट्स हैं. तो मैंने तीन कंपार्टमेंट्स में ब्रीफ्स रखे हैं और इन तीन में सॉक्स फोल्ड करके रखे हैं. उसके नीचे वाले शेल्फ में दीज आर ऑल हिज स्पोर्ट्स वेयर. बट वो जो पीछे वाइट कलर के दिख रहे हैं ये उनके वेस्ट है जो कि स्लीवलेस वेस्ट हैं. तो वो बहुत कम पहनते हैं इसलिए उनको मैंने पीछे अरेंज करके रखा है. एंड दीज आर ऑल हिज टी शर्ट्स विच ही वेयर्स फॉर हिज वर्कआउट.
एंड दीज आर ऑल हिज बर्मुडास या शॉर्ट्स जो कि वर्कआउट के वक्त पहनते हैं वॉकिंग के वक्त. और इस शेल्फ के नीचे वाला जो लास्ट शेल्फ है उसमें मैंने एक बास्केट रखा है. मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा था इस बास्केट को. तो ये सारे घर में पहनने वाले टी शर्ट्स एज वेल एज पैंट्स हैं बर्मुडा या शॉर्ट्स वट एवर वी कैन सी. तो इस तरह से ऐसे दोनों दो साइड बना के मैंने उनको अरेंज करके रखा हुआ है. ये राइट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द वार्डरोब ऐसे दिख रहा है. तो ये था मेरा आज का वीडियो. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. और अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सब्सक्रिप्शन इज फ्री एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल आल्सो एंड प्लीज टू शेयर एंड लाइक माय वीडियोस टू. तो मिलती हूँ मैं फिर से आपके साथ एक और नए व्लॉग या वीडियो में. तब तक के लिए बाय. सी या. हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग.